हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देवप्रीत। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंडक्शन थ्रू ए सिलेंड्रिकल वाल। तो हम लोग इससे पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे कंडक्शन थ्रू ए सिलेंड्रिकल वाल। तो दोस्तों, हमने ये क्या बनाया है, सिलेंड्रिकल वाल का, सिलेंड्रिकल जो है उसका हम लोग टॉप व्यू ये बनाए हैं और ये है हमारा फ्रंट व्यू। तो देखिए, ये जो रेडियस है ये आर वन है, जिसको हम लोग आर वन से लिख देते हैं, और ये रेडियस है हमारा कितना, आर टू। तो देखिए, हम लोग यहाँ फ्रंट व्यू में इसको डिनोट किए हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग को निकालना है कि हीट फ्लो रेट। तो दोस्तों, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है आर वन, ठीक है, और ये आर टू है, और ये जो हमारा रेडियल ओनली, कौन सा रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करता है हीट, हमारा इस डायरेक्शन में हीट फ्लो नहीं करता है। और यदि बात यहाँ पे जो एल है, एल हमारा लेंथ, ये है एनालॉग डायग्राम ऑफ द सिलेंड्रिकल वाल के लिए। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं दोस्तों, यदि यहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल वाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। जो भी जनरल हीट इक्वेशन इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या किए थे, जो भी हम लोग निकाले थे इक्वेशन, उस इक्वेशन को लेंगे। तो हम लोगों ने लिया था कर्ली स्क्वायर टी अपॉन कर्ली आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर कर्ली टी अपॉन कर्ली आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर कर्ली स्क्वायर टी अपॉन कर्ली फाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर टी अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस जो मेरा क्या था दोस्तों, इंटरनल हीट फ्लो। इंटरनल हीट फ्लो क्या था, क्यू जी अपॉन के इक्वल टू वन बाय अल्फा कर्ली टी अपॉन कर्ली टॉप। ओके दोस्त, तो यहाँ पे अब हम लोग सेकेंड स्टेप में बात करेंगे क्या, कि ये जो होगा हमारा ओनली स्टेडी स्टेट के लिए होना चाहिए। दूसरी, जब स्टेडी स्टेट के लिए होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ली टी अपॉन कर्ली टॉ जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद नो इंटरनल हीट जनरेट, जब मेरा इंटरनल हीट जनरेट नहीं होगा तो क्यू जी अपॉन के वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। एंड जो हमारा हीट फ्लो करेगा ओनली रेडियल डायरेक्शन में करेगा, ना कि हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी नहीं करेगा, ओनली रेडियल डायरेक्शन में। तो मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, यदि ओनली रेडियल डायरेक्शन में करेगा तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा ओनली। तो चल देखिए दोस्तों, फॉर स्टेडी स्टेट के लिए जीरो कर दिया, नो इंटरनल हीट तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जीरो। तो मेरा ओनली ये बच जाएगा, तो इस यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, तो कर्ली स्क्वायर टी अपॉन कर्ली आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर कर्ली टी अपॉन कर्ली आर। तो दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन आर डी अपॉन डी आर इंटू आर डी टी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों, आप बोलोगे कि ये कैसे आया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यदि यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट इसको हम लोग क्या करेंगे चेन रूल से, तो क्या हो जाएगा देखिए, वन अपॉन आर, ये रफ है, ठीक, तो वन अपॉन आर, तो पहला का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वन इंटू ये वैसे का वैसे रह जाएगा अपॉन डी आर प्लस इसका हो जाएगा दोस्तों डी स्क्वायर टी अपॉन डी आर स्क्वायर इंटू आर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर डी टी अपॉन डी आर प्लस, जब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ली स्क्वायर टी अपॉन कर्ली आर स्क्वायर। तो यही वैल्यू आ गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग डबल इंटीग्रेट करेंगे, दो बार इंटीग्रेट करेंगे। यदि हम लोग इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए, सॉरी, यदि हम लोग इसको जीरो कर देते हैं, वन बटे आर हम लोग का जीरो नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे। तो डी अपॉन डी आर इंटू आर डी टी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इसको दो बार इंटीग्रेट करना है। यदि जब हम लोग एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आर डी टी अपॉन डी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी वन। यदि हम लोग इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग इसको एक साइड करेंगे, टी वाले को एक साइड करेंगे, आर वाले को एक साइड करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन अपॉन आर डी आर, तो सी वन को हम लोग जब इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वन इजक्वल टू डी टी। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी इजक्वल टू वन बटे आर का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग ऑफ आर इंटू जो सी वन है दोस्तों हमारा,
सी वन का सी वन हो जाएगा प्लस जो हमारा न्यू कॉन्स्टेंट आएगा वो हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये जब हम लोग सेकेंड बार इसका इंटीग्रेट किए तो हमारा ये वैल्यू आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए C1 एंड C2 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे C1 एंड C2 का वैल्यू निकालेंगे क्या करके, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के अप्लाई करने से। ठीक है, तो देखिए हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाउंड्री कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं कि जो हमारा T है इक्वल टू T1 होगा कहाँ पे, एट R इक्वल टू R1 के लिए। ठीक है, और T इक्वल टू T2 होगा कब, जब R इक्वल टू R2 होगा। तो जब हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं तो हमारा C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस T1 अप T1 माइनस T2 अपॉन log E R2 अपॉन R1, और उसी तरह C2 का वैल्यू इतना आ जाता है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इन C1 एंड C2 का वैल्यू हमारा जो ये इक्वेशन आया था, ये इक्वेशन इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पुट कर देंगे। इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे पुट कर देते हैं। तो मेरा वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा वैल्यू जब ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये टी है, जब हम लोग क्या करेंगे टी वन को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा टी माइनस टी वन, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर डिवाइड में है और इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टी वन माइनस टी टू लॉग ई आर वन माइनस टी वन माइनस टी टू लॉग ई आर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, टी वन माइनस टी टू को कॉमन ले लेंगे, तो लॉग ई आर वन माइनस लॉग ई आर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लॉग ई आर माइनस लॉग आर वन, ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डिवाइड में लिख सकते हैं लॉग ई आर अपॉन आर वन। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए टी वन माइनस सॉरी टी माइनस टी वन और टी टू माइनस टी वन को एक साइड हम लोग ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू लॉग आर अपॉन आर वन डिवाइड बाय लॉग आर टू अपॉन आर वन, यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, क्यू जो क्यू हीट फ्लो रेट है, तो क्यू इक्वल टू होता है माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो एरिया आएगा, एरिया क्या होगा, हमारा जो सिलेंड्रिकल वॉल है तो उसका एरिया होता है टू पाई आर एल, तो हम लोग एरिया की जगह क्या करेंगे दोस्तों, टू पाई आर एल रख दिए हैं। उसके बाद डी अपॉन डी आर, और टी का जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा माइनस के टू पाई आर एल इन टू माइनस टी वन माइनस टी टू अपॉन आर लॉग ई आर टू अपॉन आर वन। तो दोस्तों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यदि यहाँ से माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया टू पाई के एल इन टू टी वन माइनस टी टू अपॉन लॉग आर टू अपॉन आर वन। तो ये किसके बराबर होता है दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं, ये जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, ये होता है दोस्तों टी वन माइनस, तो ये होता है दोस्तों हमारा टी वन माइनस टी टू अपॉन आर टी के बराबर। तो यदि हम लोग यहाँ से आर टी का वैल्यू निकालते हैं तो आर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि आर टी मेरा इस साइड आता है तो क्या हो जाएगा, आर टी इक्वल टू लॉग आर टू अपॉन आर वन अपॉन, ये क्या है दोस्तों मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आर टी इक्वल टू लॉग आर टू अपॉन आर वन अपॉन टू पाई के एल, यही वैल्यू हम लोग को निकालना था। यदि हम लोग इसको दूसरा तरह से भी निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए, यदि दूसरा तरह से निकालना है तो इसको हम लोग क्या कहें, क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर। तो इसको हम लोग क्या किए दोस्तों, ये एरिया, एरिया के जगह पे हम लोग क्या लिखे, टू पाई आर एल लिख दिया। उसके बाद जो हम लोग इसको सेपरेट कर दिए कि जो भी हमारा आर है इसको हम लोग इस साइड में ले लिए और टी वाले को एक साइड में ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू जब ये मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आ जाएगा टू पाई एल, ठीक है के भी आ जाएगा, उसके बाद जो हमारा डी टी है ये सॉरी डी आर है इधर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डी आर अपॉन आर, ओके, और ये इसका जो लिमिट है आर वन से आर टू तक है इक्वल टू माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस हो गया डी टी इंटीग्रेशन टी वन माइनस सॉरी टी वन से टी टू। जब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वन बटे आर का इंटीग्रेशन लॉग आर, और जब इसका लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आर टू माइनस आर वन, तो आर टू माइनस आर वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग आर टू माइनस लॉग आर वन को हम लोग लिख सकते हैं लॉग आर टू अपॉन आर वन इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टी वन माइनस टी टू,
इसको लिख सकते हैं ना, टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं। यदि यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लिए तो टी वन माइनस टी टू माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्यू इक्वल टू टू पाई के एल टी वन माइनस टी टू अपॉन लॉग आर टू अपॉन आर वन, जो वैल्यू हमारा पिछले इसमें निकला था, पीछे तरफ निकला था, वही वैल्यू यहाँ पे आ गया। और इसको क्या किया दोस्तों, आर टी वन माइनस टी टू अपॉन आर टी के इक्वल कर दिए, यहाँ से हम लोग आर टी का वैल्यू निकल गया। तो ये था हमारा कंडक्शन थ्रू ए सिलेंड्रिकल वाल्व। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरह अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हम लोगों का चैनल देवप्रीत को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।